तो भाई लोग कैसे हो, वेलकम बैक बैक टू वेलकम और स्वागत है आपका BGMI के एक ब्रांड न्यू गेम प्ले के वीडियो में। और आज हम उतरते हैं मिरर वर्ल्ड में, तो देखो यहाँ पे क्या ही सीन होते हैं। यहाँ उतरते ही मैं ये नहीं देखता कि मेरे हाथ में कौन सी गन है, मैं सीधा स्प्रे देने लगता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में होती है M249। मैं एमओ भी नहीं उठाता, सबसे पहले इसकी पेटी बनाता हूँ। इसकी पेटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे एमओ लेता हूँ, तो मैं यहाँ आता हूँ इस बंदे की पेटी लूटने। इससे मैं M4 लेकर के M249 छोड़ देता हूँ, क्योंकि M249 की रिलोडिंग जितना टाइम लेती है उतने में आप लॉबी चले जाओगे। लॉबी तो नहीं लेकिन नीचे जरूर चले जाओगे, तभी मुझे सामने एक बंदा दिखाई देता है, तो मैं इसको नॉक करता हूँ और सीधा इसकी पेटी बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किल चोरी बहुत तेजी से होती है। तो हम लोग इधर बीच से ना जा करके इधर पहाड़ी के साइड से जाने की सोचते हैं और चलते हैं इधर से बंदों की पेटियां बनाने के लिए। तो हम इधर से आते हैं और तभी मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है, तो मैं इसको भी नॉक करके सीधा इसकी पेटी बना देता हूँ और अब आगे चलते हैं बंदों की पिटाई करने के लिए, क्योंकि इधर के साइड के सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ मुझे राइट में एक बंदा भागते हुए दिखता है, तो मैं इसको नॉक करके आगे बढ़ता हूँ इसकी पेटी बनाने के लिए। और तभी ये M249 वाला टीपी भी बाजी करके मेरे को नॉक कर देता है, लेकिन एलेक्स इसकी पेटी बना देता है, तो वो मुझे रिवाइव देता है। लेकिन तभी कोई पीछे से हम पे हमला करता है, तो एलेक्स जाता है उस बंदे की पेटी बनाने के लिए, लेकिन तब तक मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और मैं फिनिश हो जाता हूँ। तो चलते अब नीचे बंदों की पेटियाँ बनाने के लिए। और एक बात मैं नोटिस कर रहा, जब से ये मिरर वर्ल्ड का अपडेट आया है नीचे बंदों की कमी हो गई है, सारे बंदे ऊपर ही फाइट कर रहे हैं और जो मर के नीचे आ भी रहा है वो दोबारा से ऊपर चला जा रहा है। मैं यहाँ लूट करता हूँ, तभी मेरे सामने एक बंदा नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है, तो चलते इसकी पेटी बनाने के लिए। मैं इसको कुछ बॉडी शॉट्स देता हूँ, लेकिन तब तक ये सेक में जा करके छिप जाता है, तो भैया आए तुम सेक में छिपो या कहीं, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और ये जैसे ही बाहर आता है मेरी M4 की एमो ख़त्म हो जाती है, मेरी गन यहाँ पे ऑटो चेंज हो जाती है। ये फीचर मेरे को BGMI का बहुत ही बढ़िया लगा। ये ऑटो गन चेंज वाली फीचर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम गाड़ी लेके बहुत देर तक बंदे ढूंढते हैं लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं देता। तभी यहाँ पे दो बग्गी बाज बग्गी लेके उड़ते हुए भगते दिखाई देते हैं। उड़ते तो नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन भगते जरूर हैं, तो हम करते हैं इनका पीछा सामने। अच्छा मैं यहाँ चलती गाड़ी से इन्हें पकड़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन तभी एक बंदा पकड़ा जाता है। यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे इन दोनों की पेटी बन जाती है, लेकिन एलेक्स चलती गाड़ी से कूद जाता है और नॉक हो जाता है, तो हम इसको रिवाइव देते हैं और फिर से बंदे ढूंढते हैं। हम सेल्डर से बंदे ढूंढते ढूंढते इधर आ जाते हैं, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं देता। तभी हमें इधर एक डासिया की साउंड आती है, तो चलते हैं डासिया वालों की पेटी बनाने। यहाँ मैं लास्ट मोमेंट पे डासिया ड्राइवर की पेटी बना देता हूँ, वरना वो अपनी डासिया से मेरी पेटी बना देता। तो भाई लोग ये सीन देख के अगर आप लोग मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो। और हमारी गलती ये है कि हम यहाँ बिना एक मौके ये देख क्रेट लूटते हैं, तो इतनी अच्छी मौका देख के इन्हें भी हमारी पेटी बना देता। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।